हेलो फ्रेंड्स, कुलेश किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तिलकुट बनाएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर इसे बनाया जाता है। इसे हम पीस के बनाते हैं ताकि इसे बुजुर्ग लोग भी अच्छे से खा सकें। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने लिया है सफ़ेद तिल एक कटोरी, मखाने लिया है मैंने आधी कटोरी, चीनी लेंगे हम, जितना हमने तिल लिया है उसका 1/4 हम लेंगे चीनी। इसके लिए मैं ड्राई फ्रूट यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने लिया है किशमिश, काजू और बादाम। सभी चीज़ों को हम पीसेंगे और पीस के हम तिलकुट तैयार करेंगे। इसके लिए पहले हम दोनों ही चीज़ों को, तिल को और मखाने को, अच्छे से भून लेते हैं। तो इसके लिए मैंने फ्राइंग पैन चढ़ा लिया है और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है धीमी आँच पर। इसे अच्छे से भून लेंगे। तिल को हमने लो फ्लेम में 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है और अच्छे से भून चुकी है। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसी फ्राइंग पैन में ही हम मखाने भी अच्छे से भून लेंगे। इसे भी हमें ड्राई भूनना है ताकि जब हम इसे मिक्सी में डाल के पीसेंगे तो ये अच्छे से पिस जाए। मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। मिक्सी के जार में हम तिल डाल लेंगे, साथ ही जो हमने मखाना लिया था पीसी हुई चीनी ले लेंगे और इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स डाल लेंगे। हम इसे पाउडर जैसा बना रहे हैं तो इसलिए सभी ड्राई फ्रूट्स को डाल लेंगे और इसे हम बारीक पीस लेंगे। सभी चीज़ों को हमने पीस लिया है, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तिलकुट को हमने प्लेट में निकाल लिया है। इसमें हम ऊपर से इस तरीके से किशमिश और थोड़े से बादाम के कतरन डाल लेंगे। हमारी तिलकुट बनके तैयार हो गई है। मकर संक्रांति के अवसर पर इसे ज़रूर बनाएं। ये भी इसे बनाना बहुत ही आसान है और ठंडी के मौसम में इसे हमें ज़रूर खाना चाहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।